तो आज गाइस हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं माइनक्राफ्ट 1.20 का हार्डेस्ट चैलेंज, जो कि है सारे के सारे आर्मर ट्रिम्स को कलेक्ट करना। ये अपडेट तो गाइस बिल्कुल अभी रिलीज हुआ है, तो हम लोगों को काफी सारे नए फीचर देखने वाले हैं माइनक्राफ्ट के, और स्पेशली हम लोग आर्कियोलॉजी करने भी जाएंगे। आज मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों को भी दिखा दूँ कि कैसे हम लोग सारे के सारे 16 ट्रिम्स को कलेक्ट करेंगे। और अगर तुम लोग देख रहे थे, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारी की सारी आर्मर्स बना दी हैं जिनके ऊपर हम सारे ट्रिम लगाएंगे। मैं क्या चाह रहा था, तुम लोगों को सीधे इंटरेस्टिंग माल दिखाऊं कैसे ट्रिम कलेक्ट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2 दिन लगा के इतने सारे मटेरियल्स को कलेक्ट किया, लेकिन अब तुम लोगों को सीधे देखेंगे कि हम लोग ट्रिम कैसे कलेक्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को माइनक्राफ्ट का लेटेस्ट आइटम बनाना होगा, जो कि है हम लोगों का आर्कियोलॉजी का ब्रश। उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए था, यहाँ पे शल्कर बॉक्सेस मैंने कलेक्ट तो करके रखा है सारा का सारा सामान। अब मैं तुम लोगों को इसको बना के दिखाता हूँ। ये हम लोगों को कॉपर लगा, फेदर लगा, और ये बन गया ब्रश। इसका यूज करके हम लोग पता नहीं किसी अजीब तरीके से मिट्टी के अंदर से आइटम्स निकाल सकते हैं, पता नहीं कैसे। ये देखो ऐसे झाड़ सकता हूँ। चलो गाइस अब तुम लोगों का मूवी मुझे काफी गंदा लग रहा है, ये देखो मैं झाड़ देता हूँ। एनीवेज अब मैं अपने पोर्शन भी उठा लेता हूँ, क्योंकि पता चला इनके बिना क्या अनहोनी हो जाए। बहुत डेंजरस एनवायरनमेंट में जाने वाले हैं हम लोग, देख के रहना तुम लोग अगर खुद जाओ। और वैसे यार कितने गंदे तरीके से मैंने सॉर्ट किया इनको, जल्दी से निकालता हूँ एक सेकंड। अब मैं सोच रहा हूँ हम लोग सबसे पहला जो ट्रिम लेते हैं, हम लोग टाइट ट्रिम लेते हैं, वो तो हमें ओशन मॉन्यूमेंट में मिलेगा, और ओशन मॉन्यूमेंट तो भाई ओशन में मिलेगी, तो अब वहीं पे निकल लेते हैं। अभी यार घर को अलविदा बोलना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी सारी ग्राइंडिंग कर रखी है इस गेम की, सारे के सारे नेडराइट टूल्स है मेरे पास एंचेंटमेंट। और मुझे यहाँ पे ओशन मॉन्यूमेंट तो दिख रही है यार ये, लेकिन अभी एंशिएंट गार्डियन ज्यादा डेंजरस होते हैं, आर्मर के थ्रू मार डालेंगे मुझे वो। एक काम करते हैं हम लोग सारे यार पोशन पी लेते हैं पहले से ही, इनसे कुछ हरकत नहीं दे पाएंगे ना। और हाँ ये रहा मेरा मास्टर प्लान गाइस, वैसे हम लोग क्या करेंगे, इनविजिबिलिटी का पोशन पी लेंगे और ऐसे करके निकल लेंगे। देखो देख ही नहीं पा रहे यार वो बेचारे, और एक्चुअली वो नजरें तो मार रहे हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है बुलबुले क्या निकल रहे हैं मेरे मुंह से। अब बस यार ये सेल्डर गार्डियन ने बहुत टेंशन दे दी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, मेरे ऊपर फटीग इफेक्ट लगा हुआ है ना, इसको तोड़ ही नहीं पा रहा। इसको यार जल्दी से फोड़ता हूँ, इतना टाइम लग रहा है इसको करने में। ओके भाई फाइनली फूटने वाला है। अबे साले ओके फाइनली हम लोग ओशन मॉन्यूमेंट के अंदर आ तो चुके हैं, हम लोग को बस एक एल्डर गार्डियन ढूंढना है। एक्चुअली उनको जब हम मारते हैं उसकी 20% चांस है कि हम लोग को टाइड आर्मर ट्रिम मिल जाए। A few moments later. तो यहाँ बैठे हैं महाराजा भाई सब, देखो छुप के बैठता ही यार, लेकिन ये तो अपने चुलबुलों के साथ बैठा है, इसको जल्दी से मारना पड़ेगा। और यार कितनी प्रॉब्लम देने, बस सिर्फ 2 हार्ट बचे। अरे छोड़ दो यार मुझे यार, ये तो पीछे ही पड़ गया। ऑलमोस्ट यार मार दिया मैंने ऑलमोस्ट, यस मुझे मिल गया क्या एक सेकंड। अरे यार ये परेशान करे जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उन्हें। अरे यार नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमारे 2 और एल्डर गार्डियन बचे हैं ना, उनको भी मार के देख लेते हैं, दूसरे को ट्राई करते हैं हम लोग। ओके यार हम लोगों का 3रा गार्डियन है, इससे तो मिल जाए प्लीज। अभी हम लोगों की सिर्फ 20% चांस है, अगर मुझे यहाँ पे नहीं मिला गाइस तो मुझे नहीं पता यार क्या करूंगा मैं। और क्या मिल गया क्या मुझे, एक सेकंड इन्वेंटरी, यस मिल गया यार हम लोगों का पहला आर्मर ट्रिम, नाइस यार। चलो अभी यार मैं पहली फुर्सत में यहाँ से निकल ले रहा हूँ। अरे मानना बंद करो यार तुम लोग मुझे, हाफ आर्ट छोड़ दिए यार, बहुत परेशान करते हैं, सच बता रहा हूँ बहुत परेशान करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं पहले ही बोल रहा था ना बटुए में मैं ऑलरेडी हीलिंग के पोशंस लेके आया हूँ, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो देखो कैसे गुच्छा बना के घूम रहे हैं और अजीब तरीके से। ओके तो अब हम लोगों का अगला आर्मर ट्रिम है हम लोगों का कोस्ट आर्मर ट्रिम, और वो तो सिर्फ शिपवर्क मिलता है, लेकिन थैंकफुली मैं ऑलरेडी बहुत सारे फायरवर्क बना के आ गया हूँ, तो मेरे लिए तो ये काफी ईजी हो जाने वाला है। ओके भाई पहला शिपवर्क, अरे ये तो बड़ी ट्रेजर मैप है, अभी तो फालतू की यार बहुत ट्रेजर है मेरे पास, अभी नहीं चाहिए। और यहाँ पे लिटरली ट्रेजर मिल भी गया, लेकिन यार ये सब अभी फायदे का नहीं है, हम लोगों को रियल ट्रेजर चाहिए। इस शिपवर्क में तो बस 2 ही चेस्ट ही लगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, शिपवर्क तो ज्यादा ही कॉमन होती है ना, हम लोग ढूंढ लेंगे आराम से, होपफुली दूसरी वाली के अंदर मिल जाए। ओके नाइस नाइस एक और शिपवर्क मिल गई, अब इसको चेक करते हैं यार प्लीज, ये वाले में तो मिल जाए मुझे कोस्ट कमोडिटी। और अरे एक्चुअली मिल गया यार, ये मैं ज्यादा लक्की नहीं हो रहा हूँ, मतलब एक मिल जाता तो खुशी हो जाती, इन लोगों ने 2 ही दे दिए, तो मेरे आई थिंक 60 डायमंड अपने सेव हो गए ना इस चक्कर में। चलो अब हम लोगों का सारा ओशन का काम तो हो गया, हम लोग वापस जमीन पे लौट जाते हैं। तो अब हम लोग माइनक्राफ्ट के सबसे नए फीचर का यूज करने वाले हैं, जो कि आर्कियोलॉजी अपडेट। अब देखो सबसे पहले तो मुझे यार ये ट्रेल रूइन ढूंढना पड़ेगा, जिसके अंदर हम लोगों को एक्चुअली मिलने वाले हैं अपने ट्रिम्स, उसके अंदर पूरे 4 ट्रिम्स मिलते हैं। अब देखो जंगल बायोम में मिलते हैं यूजली, और अरे मिल गया यार, बहुत ही प्यारा लक है यार आज तो मेरा, नाइस यही होता है एग्जैक्टली गाइस, ये देख लो तुम लोग और तुम लोग खुद ढूंढ रहे हो अपने वर्ल्ड में।
यहाँ पे ऐसी क्ले व्ले पड़ी होती है और काफी सारी ग्रेवल होती है, और मुझे अपनी सबसे पहली सस्पिशियस सैंड ऑलरेडी मिल चुकी है। अब इसको देखते हैं यार इसके अंदर से क्या निकलती है। ये क्या ईंट लग रही है, अरे बाबा की ईंट दे दी इसने तो। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने पहली बार करके तो देख लिया काम। और बस एक सेकंड में यहाँ पे अपने शेल्कर बॉक्स रख लूं, एक तो हम लोगों को काफी सारा फालतू का सामान मिलने वाला है, तो मैं सारा सामान अपना इसके अंदर रख दे रहा हूँ जो हम लोगों को बिल्कुल भी यूज नहीं आने वाला है। तो गाइस अब मैं और ज्यादा डिगिंग करना कंटिन्यू करता हूँ। 2 hours later अरे ये क्या निकल रहा है, अरे हाँ ये हम लोगों का नया फीचर है गाइस, हम लोगों के आर्कियोलॉजी अपडेट के साथ आया, ये पॉटरी शार्ड है। अभी इस वीडियो के अंदर तो मैं इन सबको कलेक्ट नहीं करने वाला हूँ, लेकिन हम लोग कभी हम बाद में कर लेंगे इसको, काफी अच्छा लगेगा ना, ये पूरा का पूरा नई चीज है यार माइनक्राफ्ट के अंदर। एक सेकंड और क्या सच में, अरे हाँ मुझे सच में निकल रहा है यार, नाइस पहली बार मिल गया हम लोगों को इससे भाई, सब बहुत ही रेयर चांसेस की, लेकिन मिल गया हम लोगों को। कौन सा वाला है, एक सेकंड देखूं, होस्ट आर्मर ट्रिम, नाइस यार भाई बहुत प्यारा रखा है हम लोगों का आज तो। ओह अरे बाप रे, हम लोग को एक और मिलने वाला है यार, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी। मैं बहुत देर से डिगिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्या क्या है यार मेरी इन्वेंटरी के अंदर, बहुत ही बढ़िया यार हम लोगों को एक और मिल गया। हम लोगों को शेपर ट्रिम एक और मिल चुका है, मतलब हम लोगों को 4 में से 2 मिल चुके हैं, नाइस आधा हो गया यार हम लोगों का ऑलमोस्ट यहाँ पे काम। अब देखो गाइस मुझे लग तो रहा है यहाँ पे हम लोग के सारे सस्पिशियस ग्रेवल खत्म हो चुके हैं, तो अब हम लोग यार इस एरिया से निकल लेते हैं, हम लोग एक और ढूंढ लेते हैं ना, यही वैसे हम लोगों को जंगलों में मिल तो जाएगा आराम से, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे ढूंढने में। और एक सेकंड, वो तोते क्या कर रहे हैं, और उनको हंट करने वाली बिल्ली, तुम भाओ, अरे बाप रे यार ये तो इनको मारने वाली थी, काफी डेंजरस है यार तुम लोगों के लिए जंगल। अच्छा वैसे तुम लोग क्या देख रहे हो, अरे ये अभी तक नहीं भागे, भाग जाओ यार तुम तो। अब यार मैंने तुम लोगों को इतनी मदद कर दी, एटलीस्ट मुझे ये तो बता दो कि अपना ट्रेल्स रूइन कहाँ है पास में, है यहीं पे पास में यार, ये तो बढ़िया बात बताई तुमने, एक सेकंड में देख के आता हूँ। अरे उसने सही बताया यार, ये तो बहुत ही अच्छा बनता, बढ़िया बात है यार मैंने उसकी हेल्प कर दी। अब यार इसको डिगअप करके देखते हैं, अब बाकी दोनों आर्मर ट्रिम्स भी मिल जाएंगे, पैसा ही पैसा हो गया। अरे एक और निकल रहा है नया हो प्लीज, ओ नया यार वे फाइंडर मिल गया हम लोगों को, बढ़िया यार हम लोगों का तीसरा मिल गया, अब बस एक और रह गया गाइस और हम लोग यहाँ से रवाना हो सकते हैं। ओके क्या ये फाइनल हो सकता है, अरे हाँ हो सकता है, बढ़िया यार सारे मिल गए 100%, 4 out of 4 हम लोगों को मिल चुके हैं। अब यार इन सबको मैं अपने शेल्कर बॉक्स में रख दे रहा हूँ और हम लोग यहाँ से पहली फुर्सत में निकलते हैं। ओके आर्कियोलॉजी वाले सारे ट्रिम्स होने के बाद हम लोगों को अगले ट्रिम्स मिलने वाले हैं दोनों टेंपल्स में, जो कि है डेजर्ट टेंपल और जंगल टेंपल। वो मैं इस ऑर्डर में एक्चुअली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग सबसे कम डिफिकल्ट से सबसे हार्डेस्ट और रेयरेस्ट वाले ट्रिम्स को कलेक्ट करने वाले हैं। अभी मुझे डेजर्ट टेंपल तो मिल गया, लेकिन अभी तुम लोग ज्यादा खुश मत हो भाई, क्योंकि सिर्फ 11% चांस होती है हम लोगों के एक डेजर्ट टेंपल की चेस्ट के अंदर ट्रिम मिलने की। तो अब बस हम लोगों को यार अपने लक के ऊपर डिपेंडेंट होने, लेकिन फिर भी लक हो या ना हो हम लोगों को अपनी यार सावधानी बरतनी पड़ेगी, हार्डकोर वर्ल्ड काम लग जाएगा अगर मैं गंदे तरीके से गिर गए यहाँ पे। एक सेकंड बस यहाँ पे रोशनी कर देते हैं और अब चेक करते हैं मिलता है कि नहीं यार, पहली चेस में तो नहीं मिला। चलो गोल्डन हॉर्स आर्मर मिल गई एटलीस्ट यार, गोल्डन एप्पल भी मिल गया लेकिन ट्रिम नहीं मिला, प्लीज देखते हैं अगली चेस के अंदर तो मिल ही जाएगा। अरे यार अभी भी नहीं मिला, बस आखिरी चेस्ट है इसके अंदर, मिलेगा क्या प्लीज दे दो। अरे दे दिया, बढ़िया यार बहुत अच्छी चीज हो गई हम लोगों के साथ, और 2 मिले हम लोगों को फिर से, आई थिंक केवल 2 ही मिलते हैं, लेकिन कोई नहीं यार बहुत प्यारा लग रहा है ना इसको देख के। तो अब हम लोगों की अगली डेस्टिनेशन है जंगल टेंपल, जो हम लोगों को मिलने वाला है जंगल में, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम। अरे नाइस यार हम लोगों को कोस्ट के पास ही मिल गया था, सर्चिंग भी नहीं करनी पड़ी। चलो थोड़ी सी क्रैश लैंडिंग हुई लेकिन कोई बात नहीं, ठीक ठाक रेयर स्ट्रक्चर होता है, डेजर्ट टेंपल से तो ज्यादा ही मुश्किल में मिलता है। अब यार मुझे यहाँ पे और भी केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि इन लोगों ने ज्यादा ही ट्रैप बिछा रखे हैं, मुझे तो बस ये बात समझ में नहीं आती हम लोगों के लिए ट्रैप बिछुए हैं तो फिर वो लोग अगर नॉर्मली आ रहे हो, मतलब समझ लो कोई और ऐसे ही घूम रहा हो, तो उन लोगों के सीधे मुंह पे तीर पड़ेगा अगर वो लोग यहाँ पे अपने ट्रैप में फंस गए। बड़े ही अजीब लोग हैं यार, बहुत ही बेकार का कंस्ट्रक्शन किया है इन लोगों ने, सर बताऊं तो। ये देखो लल्लू ट्रैप इन लोगों के मारने की कोशिश कर रहे हैं वो मुझे। ओके अब लेट्स सी यार, काफी बेकार के रूट है यहाँ पे, तो एमराल्ड्स और थोड़ा सा गोल्ड है बस, लेकिन वो होप अभी लूज नहीं हुई है। मुझे एक्चुअली पता है यहाँ पे एक सीक्रेट कोड होता है जिससे हम लोग की एक और सीक्रेट चेस्ट रिवील हो जाती है। अब ये गाइस हम लोगों का राज है, किसी और दोस्त वोस्त को मत बताना आपने। यहाँ पे देखो ये छेद खुलिया है ना, यहाँ पे हमें एक चेस मिलती है। ओ मिल गया यार, मुझे लग नहीं रहा था मिल जाएगा, मुझे लग रहा था एक और ढूंढना पड़ेगा, बहुत सही चीज हो गई ये तो। चलो यार मैं यहाँ से निकल ले रहा हूँ, ये देखो कितने नाइस लग रहे हैं, चमक रहे हैं वो ऑलमोस्ट। इनको जल्दी से मैं अपने शल्कर के अंदर रख देता हूँ और हम लोगों के ये सारे टेम्पल वाले हो गए। अब देखो हम लोगों के सारे टेम्पल वाले ट्रिम्स तो हो चुके हैं, अब हम लोगों को थोड़ी सी प्लेजर से गुफ्तगू करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोगों के अगले ट्रिम्स हम लोगों को सिर्फ मिलने वाले हैं एक प्लेजर आउटपोस्ट में और प्लेजर मेंशन में। अब चलो मैं जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश करता हूँ इन दोनों में से किसी एक को। ये देखो गाइस क्या मिल गया मुझे, पूरी की पूरी नई आउटपोस्ट मिल गई मुझे, ये मैं कभी यहाँ पे आया भी नहीं हूँ। देखो मैं इन लोगों के साथ ज्यादा हरकत नहीं देने वाला प्लेजर्स के साथ, मैं सीधे रूफ के ऊपर लैंड करके देख ले रहा हूँ।
यार यहाँ पे तो बहुत ही बेकार लूट है। बताओ यार क्या दिन देखने को मिलने हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। अब चोरों से ही चोरी करनी पड़ रही है। चलो कोई ना, अब चलो यार इस चेस्ट को खोल के देखते हैं। अब यार इन लोगों ने ज्यादा ही हरकत दे दी है मुझे, कीमत चुकाए बिना तो नहीं जाने वाले। थोड़ा सा इन लोगों को एक तोहफा दे देते। अब मुझे आखिरकार वुडलैंड मैंशन तो मिल गई है। अब यार हम लोग को इसको अच्छे से रेड करना होगा। बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी चेस पकड़ लेंगे और सीधे निकल लेंगे यहाँ से, ठीक है ना, ज़्यादा हरकत नहीं। अब चलो गाइस बस चुपके से निकल लेना है, बहुत ही हल्के से, इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए मैं यहाँ पे। अरे रानी मौसी क्या कर रही है यहाँ पे, इन लोगों को बिल्लियों से ज़्यादा ही लगाव लगता है। अरे देख लिया उसने मुझे, एक सेकंड। हाँ अरे ये तो लल्लू निकला यार, बोट के अंदर बैठ भी गया, मुझे लग रहा था नहीं बैठेगा। और एमराल्ड मिल गया। अब ये चेस्ट वाला रूम तो है यार, प्लीज मुझे यहाँ से मिल जाए एक मजे से। अरे सॉरी सॉरी नहीं चाहिए नहीं चाहिए, एक सेकंड। अरे यार क्रीपर है वहाँ पे तो हम लोग क्या करें। अच्छा वो फेंस लगा तो सीधे कूद जाते मेरे ऊपर वो, ये लो भाई। अरे दोस्त को ही फाड़ दिया बेचारे ने अपने। चलो कोई बात नहीं, हम लोग का तो फायदा हो गया ना। अब देखते हैं यार, प्लीज आर्मर ट्रिम दे दो। अरे एक और बैठा हुआ है यहाँ पे, ये तो पूरा भरा हुआ है, पूरा मोहल्ला बना हुआ है इन लोगों का क्रीपर्स का। मुझे तो लग रहा था यार प्लेजर्स का एरिया था ये पूरा, ये तो क्रीपर्स का अड्डा निकला पूरा का पूरा। चलो भाई एनीवेज ये रही हम लोग की चेस्ट। और नाइस हम लोगों को मिल गया अपना वैक्स आर्मर ट्रिम, ये वाला मैंने सुना है काफी प्यारा लगता है, जल्दी से इसको रख लेते हैं यहाँ पे, और नहीं झेल सकता सीधे बारिश में निकल लेते हैं हम लोग। ये लाइटर पहनी और गुड बाय गाइस। बढ़िया अब मैं दूर तो आ चुका हूँ, हम लोगों को अब चाहिए एंड वाले आर्मर ट्रिम, और वो मिलने वाले हम लोग को स्ट्रॉन्ग होल्ड में और एंड सिटी के अंदर। अब देखो मैं अपनी पुरानी स्ट्रॉन्ग होल्ड पे तो आ चुका हूँ, यहाँ पे मैंने किसी चेस्ट को सर्च नहीं किया था, सीधे एंड ड्रैगन से लड़ाई करने में यहाँ पे पोर्टल में घुस आया था, तो अभी काफी हाई चांस है कि हम लोग को यहाँ पे आई आर्मर ट्रिम मिल जाए। अब देखो मैं कोशिश तो अपनी पूरी करूंगा इसको ढूंढने की, लेकिन चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रॉन्ग होल्ड ये वाली आई थिंक ठीक ठाक बड़ी थी, मुझे थोड़ा टाइम लगा था इसको सर्च करने में पूरा। ओके प्लीज तुम दे दो चेस्ट। नाइस यार ये मिल गया, ये भी बताओ सीधे इसके पार चला गया था मैं एंड में, इतना बढ़िया सामान रखा हुआ था मेरे पास में। ये हम लोग का आया आर्मर ट्रिम है और ये बहुत ही प्यारा लगता है, तुम लोग बाहर से देख सकते हो ना कितना प्यारा पैटर्न निकलने वाला है जब हम लोग इसको आर्मर में लगाएंगे। अब देखो यार हम लोग की अगली डेस्टिनेशन है सीधे एंड सिटी, तो एंडर ड्रैगन तो मर चुका है तो वो हमें ज्यादा प्रॉब्लम तो देने वाला है नहीं। अब गाइस देखो ये वाला ट्रिम बहुत ही ज्यादा रेयर। अरे भाई 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 पीछे पड़ गया, मतलब गलती से तो पड़ जाती है यार, तुम लोग भी सोचो। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे ये बहुत ही रेयर होता है ये वाला ट्रिम, तो हम लोग को यार काफी सारी एंड सिटीज को सर्च करना होगा, लेकिन होपफुली यार मुझे अपनी पुरानी वाली एंड सिटी में मिल जाए। मैं तब सीधे इलाइट्रा लेके आ गया था, तो काफी हाई चांस है कि हम लोग को वहां पे मिल जाए यार। अब मैं ढूंढने की तो कोशिश करता हूँ अपनी पुरानी एंड सिटी को। ओके मैं अपनी एंड सिटी पे तो वापस आ चुका हूँ। अब ये जो ट्रिम है हम लोग को यार एंड शिप के अंदर तो मिलने वाला है नहीं, हम लोग को ये सिटी को ही ट्राई करना पड़ेगा। एटलीस्ट ये वाली काफी बड़ी है तो ठीक ठाक अमाउंट ऑफ चेस्ट तो होंगी ना एटलीस्ट। यहाँ पे सर्च करके देखते हैं। सर फट गया यार मेरा। ओके मैं ऊपर तो आ चुका हूँ फाइनली, काफी सारे शल्कर तो मैंने ऑलरेडी मार दिए थे उन्हीं लोगों की लूटिंग शॉट से, तो ये ज्यादा हार्ड नहीं था। चलो अब चेक करके देखते हैं। ओके ज्यादा बुरी लूट नहीं है यार, लेकिन ये नहीं चाहिए मुझे, बस आयरन और गोल्ड है। और तुम देखो भी के वाह यार, मतलब मौज कर दिया आज तो मैंने। ये बहुत ही रेयर होते हैं, मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, 10-10, 20-20 एंड से सर्च करनी होती है इसके लिए। कितना लकी हो रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया यार। चलो ये एंड के तो हम लोग के हो चुके हैं सारे के सारे, अब हम लोग को यार इससे भी ज्यादा खतरनाक जगह पे जाना पड़ेगा, और वो तो तुम लोग जानते हो कौन सी डायमेंशन है। अब यार यहाँ पे मैं एक बेस्टियन पे तो आ चुका हूँ, लेकिन ये काफी डिफिकल्ट होने वाला है इसको रेड करना, ज्यादा ही डेंजरस होते हैं ये पिगलिंस पता नहीं कैसे। देखो यार कितने खूंखार है, मतलब बस जरा सा पास गया अंदर भी नहीं आऊं ऑलरेडी अटैक करना शुरू हो गए। लगता है मुझे अपनी पुरानी ओशन मॉन्यूमेंट वाली ट्रिक का यूज करना पड़ेगा, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे है ना। नाइस भाई इनविजिबल हो गए। अब हम लोग अपनी सारी आर्मर उतार के देख लेते हैं, और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो बिल्कुल इनविजिबल हो गए मैं 100%। बताओ मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा मेरा मुंह किधर है और मेरी टांग किधर है। ओके भाई चुप कैसे, बस ये पिगलिंस को पता ही नहीं चल रहा। हम लोग यहाँ पे एक चेस्ट है, इसको सबसे पहले हम लोग दबोच लेते हैं, इसको बस यार बंद करना पड़ेगा इससे पहले कि वो लोग मुझे देख लें इसको खोलते। भाई थोड़ी सी रोशनी, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। अरे बेटा मौज कर दे। ओके वो लोग देख तो नहीं रहे। हाँ देखो कहाँ देख रहे हैं, कहाँ चले गए वो बेचारे, अरे निकल के तो आ रहे हैं यार बस मुझे। ओके भाई कोई नहीं है यहाँ पे। हाँ देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं दे रहे ना, इनविजिबल होता तो कुछ टेंशन नहीं देते, काफी अच्छे लोग हैं जब मैं इनविजिबल होता हूँ। ये लो मिल गई फाइनली। अरे एक सेकंड तुम लोगों को पता ही नहीं है, हाँ मैं यहाँ से वैसे इस केव से निकल के आया था, मैं एक नेदर फोर्ट्रेस ही ढूंढ रहा था क्योंकि इसके अंदर हम लोग को मिलने वाला है अपना अगला ट्रिम। अब देखो यार मुझे ये बायोम ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता क्योंकि ये यहाँ पे हंसता है, ये मैग्मा क्यूब घूमते हैं और ये बहुत ही बेकार है मतलब घूमने के लिए। मैं जल्दी से अब चल ले रहा हूँ वहाँ पे। ओ डायमंड्स, बताओ यार कैसा बंदा हूँ मैं, मतलब एक्चुअली तुम लोगों को भी ऐसा लगता है क्या, मतलब मेरे पास वहाँ पे स्टैक अपॉन स्टैक मतलब रखे हुए डायमंड्स कितने सारे, लेकिन अभी भी एक डायमंड के मिलने पे ज्यादा खुशी होगी मुझे। ये स्केलेटन क्या पीछे पड़ ली, अरे एक सेकंड, अरे विदर स्केलेटन मेरे पीछे। नहीं 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 भाई यार विदर एक्सपेक्ट भी बहुत ही गंदा है इसका यार, नेदरराइट आर्मर के साथ भी तुम कम्प्लीटली सेफ नहीं होते इस गेम में है। और ये पता नहीं काय को मेरे पीछे लगा हुआ है,
ओके भी आ जाओ, अब अकेले हो ना, आप कोई दोस्त नहीं है साथ में। हाँ टिस्की गए, मतलब यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है इन लोगों को। यहाँ पे अभी सेफ तो लग रहा है, इस चेस्ट को जल्दी से खोल के देख लेता हूँ यार मैं। लेट्स सी, अरे बहुत बढ़िया यार, यहीं पे मिल गया। अब ये देखो, ऊप्स, अब ये देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है ना ये। चलो इसको अपने शल्कर के अंदर रख लेते हैं फाइनली। चलो अब नेदर का तो काम खत्म है यार, मैं निकल ले रहा हूँ यार सीरिया से। देखो कैसे देख रहे हैं वो मुझे, हाँ कितना प्यारा लग रहा है वापस घर आके। बहुत टाइम से इस एरिया को नहीं देखा था मैंने। अरे एक सेकंड, वो कौन है? नेदर का मुसाफिर भाई, ये नहीं चलेगा। ना 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 भाई, मतलब ये तो क्या कर रहा है, चिमट रहा है तो पूरे के पूरे स्टेयर रूम्स। अब यार इसको मार के थोड़ा बुरा लगेगा। एक सेकंड यार छोड़ो, हम लोग यार थोड़े से तो अच्छे बंदे हैं, देखो कितना हैप्पी है वो। एक काम करते हैं, इसको इतनी अच्छी लग रही है ना हम लोगों की स्टोर, इसको क्या करते हैं हम लोग अपना नया स्टोर का मैनेजर बना देते हैं, हम लोग के सारे रिसोर्सेज को देखता रहेगा, है ना। देखो कितना खुश है ये, कैमरा की तरफ स्माइल करके देख रहा है वो। ओके भाई, हम लोग का ये नया एम्प्लॉई हायर हो चुका है। अभी काम करते हैं, इसको कोई नाम नहीं है ना, तुम लोग क्या करो कमेंट सेक्शन के अंदर सारे के सारे नाम लिखो, मैं उनमें से सबसे फनीएस्ट इसको दे दूंगा। ओके गाइस, अब यार चलो बहुत मजे हो गए, अब हम लोगों को सबसे खतरनाक एरिया के अंदर जाना है पूरे माइनक्राफ्ट के अंदर, और वो है यार अपनी एंशियंट सिटी। वार्डन के साथ चाय शाय पे करनी पड़ेगी यार आज तो। 2000 years later। ओके भाई आ चुका हूँ मैं यहाँ पे वार्डन के लेयर में। मुझे यहाँ पे स्कल्क दिख रहा है बहुत सारा, इसका मतलब है हम लोग के आसपास ही एंशिएंट सिटी होगी। और यार एक्चुअली मैं कभी भी पहले वार्डन के शहर के अंदर आया नहीं हूँ, तो मेरे लिए पूरा नया एक्सपीरियंस होगा। ये क्या आवाज थी भाई, नहीं 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 भाई, निकल ले। हाँ और एक सेकंड, ये डार्कनेस क्या हो रही है भाई। थोड़ा सा केव के अंदर ठुकने के बाद मैं फाइनली यहाँ पे एंशिएंट सिटी में आ तो चुका हूँ। और यार ये कितना बड़ा एरिया, अब मुझे यहाँ पे पूरे के पूरे 2 आर्मर ट्रेन्स ढूंढने पड़ेंगे। अब देखो भाई मैं ज्यादा टेंशन तो नहीं लेने वाला हूँ, ये चिपचिपा के जा रहा हूँ वार्डन के अराउंड, डर के मारे पता नहीं क्या हाल हो जाएगा अगर ऐसा करूंगा मैं तो। अब बस यहाँ पे ऐसे करके मुझे एक चेस्ट ढूंढनी है यार, प्लीज कुछ तो हो मिल जाए बस। और अरे ये नहीं ना, अब देखते हैं ना। बढ़िया, एक सेकंड, ये क्या बात हो रही है, अरे वार्डन आ रहा है यार पहली बार। A few moments later. ये तो मैं अच्छे लगेंगे बहुत ज़्यादा। ये अब वो जा रहा है क्या सुन के, एक सेकंड देखते हैं हम लोग। और जा रहा है वो। ओके अब जब वो उधर है मैं यहाँ पे ये मजे से अपनी चेस्ट को खोल लेता हूँ, बस धीरे धीरे निकल लेना है। अरे फिर से आ गया यार परेशान करने, कुछ काम धाम नहीं है कि इसको भागो उधर, मतलब ये लो भाई अंडे खाओ, अंडे के साथ बहुत मजा आता है ना वार्डन को। कहाँ पे पिकूं, हाँ ये देखो भागा बेचारा उधर। और यस वॉर्ड आर्मर ट्रिम, बाप रे ये मतलब लिटरली 1% चांस वाला माल मिला है मुझे गाइस, यार बहुत मजा आ गया आज तो। तो अभी यार हम लोगों का उससे भी हार्ड वाला ट्रिम है, और वो है हम लोगों का साइलेंस ट्रिम। और मुझे अभी लग रहा है यार मेरे बिल्कुल पीछे एक वार्डन पड़ा हुआ है यार, इसको जल्दी से खोल लूं बस मैं यहाँ पे। और यस फाइनली साइलेंस ट्रिम, वो कितनी चेस खोलनी पड़ी है इसके लिए भाई। गुड बाय, मैं निकल ले रहा हूँ अंधेरे के अंदर। और ठुक गया फिर से मेरा सर, वो देखो डर के भाग गया, बताओ लूजर। चला गया, मुझे तो लग रहा था यार ये बस खतरनाक होने वाले थे वार्डन। ये देखो कान फोड़ दी मैंने उसके, लल्लू थे यार ये तो। चलो अब मैं अपनी सुपीरियर इलाइट्रा का यूज करके निकल ले रहा हूँ फुल स्पीड के अंदर। ये है ना असली मजे वार्डन के, इलाइट्रा पकड़ लो एक, फिर मौज करते रहो यहाँ पे। चलो नॉर्मल केव में वापस आ गए ना, अब मैं यहाँ से निकल ले रहा हूँ यार। हाँ कितना प्यारा लग रहा है, फ्रेश हवा, और नाइस मेरा सर भी फूटा हुआ है थोड़ा बहुत। ओके फाइनली मैंने एरो निकाल लिया अपने मुंह में से। तो गाइस अब फाइनली हम लोग के पास सबसे रेयरेस्ट आर्मर ट्रिम्स भी हो चुके हैं, इनको तैयार मैं एक पप्पी दे दूं गुड लक के लिए। चलो अब हम लोगों का सारा काम हो गया यहाँ का, मैं अब बेस में निकल ले रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग अपने सारे के सारे आर्मर ट्रिम्स को क्राफ्ट करके रख लेंगे। इससे अच्छा तो मुझे कभी भी नहीं लगा है अपना बेस, वो पता नहीं कहाँ घुस आया था मैं नीचे काले एरिया के अंदर। मुझे लग रहा था इसके अंदर घूमेंगे हम तो सीधे ऊपर निकल गए ऐसे हॉट डायरेक्शन में इधर उधर मतलब, लेकिन यार मजा तो बहुत आया सच बात है, बहुत घूमे बहुत अच्छा लगा। अब देखो मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा है ये सब सामान, क्योंकि अब मैं इन मटेरियल्स को कलेक्ट कर रहा था बिल्कुल मजा नहीं आता ना, तो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों के लिए रेडी कर रखा है। और मैं फाइनली ऐसे करके अपनी कलेक्शन को पूरा कर सकता हूँ, हम लोगों का वार्ड आर्मर ट्रिम और साइलेंट आर्मर ट्रिम। ये देखो सारे के सारे मेरे पास अब आर्मर ट्रिम्स हैं, इनको हम लोग अभी जल्दी से लगा लेंगे। पर एक सेकंड, उन सबको यूज अप करने से पहले मुझे इनको डुप्लीकेट करना होगा, वरना ये सब खत्म हो जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे उनके बिना। हम लोग को यार पहले तो इन बहुत सारे डायमंड्स की जरूरत होगी, और मैंने इस ब्राउन सर्कल के अंदर सारा का सारा सामान ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा हुआ है। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ इसके अंदर मैंने क्या क्या भर रखा है। हम लोग के लाल वाले सर्कल के अंदर तो है अपने सारे ट्रिम्स, और यहाँ पे इस सबको डुप्लीकेट करने का सामान, कितना कूल लग रहा है ना। इतने सारे अलग अलग मटेरियल्स मैं हर सारे एनवायरनमेंट से तोड़ के लाया हूँ, जब तुम लोग देख नहीं रहे थे ना। अब बस हम लोग को इसको डुप्लीकेट करने में, एक्चुअली तुम लोग को दिखा भी देता हूँ कैसे करने वालों में। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे अपना आर्मर ट्रिम डाल लेंगे, उसके पूरे अराउंड हम लोग को अपना डायमंड्स डाल लें, और ऐसे बीच में एक ब्लॉक रख देंगे, तो हम लोग को ऐसे करके 2 मिल गए। ये बहुत ही महंगे हैं लेकिन यार वर्थ इट, देख लो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। चलो अब इनको जल्दी से मैं पकड़ के पूरे कलेक्शन को बनाना शुरू करता हूँ। और अब मेरे पास माइनक्राफ्ट के
सारे के सारे आर्मर ट्रिम कॉम्बिनेशन हैं। ये देखो कितना खतरनाक लग रहा है, मुझे बहुत टाइम लगा है इस सबको बनाने के लिए, लेकिन कितना वर्थ इट लग रहा है। इतनी सारी कूल आर्मर है मेरे पास। और अगर तुम लोग जूम आउट करके देखो, मैंने अपनी नेदरराइट आर्मर के अंदर भी ऐसे करके साइलेंस ट्रिम लगा दी, कितना खतरनाक लग रहा हूँ ना मैं। और हाँ गाइस, तुम लोगों के जाने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए पूरे के पूरे 2 हफ्ते लगे हैं। तो गाइस एक लाइक तो बनता ही है, तुम लोगों का कुछ नहीं जा रहा, बस एक क्लिक कर देना है। और अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो तुम लोग मेरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, पूरे के पूरे भर भर के वीडियोस बना रखी है मैंने ऐसी। लेकिन अभी के लिए तो हम लोग गाइस अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए तुम लोग मजे लो।